हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी बाइक बोर्ड निवेशकों का हमारे इस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हमें ये लेटेस्ट वीडियो मिली है। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ मिली है। सॉरी, एलम समाचार, चिटफंड समाचार, बाइक बोर्ड आरोपी विनोद कुमार चौहान की गिरफ्तारी हुई। जी हाँ दोस्तों, बड़ी न्यूज़। पूरी न्यूज़ सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो दोस्तों अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई ये लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या है। पुलिस ने मंगलवार को कहा है कि बाइक बोर्ड के एक अतिरिक्त निदेशक लगभग 1,400 करोड़ रुपये के 2.25 लाख निवेशकों को ठगने का आरोपी गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी विनोद कुमार चौहान सोमवार को ग्रेटर नोएडा के गौर चौक के पास गिरफ्तारी हुई। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आप सभी निवेशकों के लिए। बड़ी न्यूज़ सुनाने से पहले हमने आपको ये बताया था कि सभी निवेशकों का पैसा अब बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि सभी मुख्य आरोपी संजय भाटी, विजय पाल, जाने कितने ऐसे ऐसे बड़े बड़े इनके मालिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, और अब इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है और इनसे पता किया जा रहा है कि आपने ये पैसा निवेशकों का कहाँ कहाँ लगाया। उन सभी जगहों से आप लोगों का पैसा इकट्ठा करके और आपके पैसे देने का प्रोसीजर चालू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारा पैसा आपको किसी एक विशेष या दोस्तों एक विशेष विभाग के अधिकार में ये पैसा लौटाया जाएगा और ऑनलाइन पैसे देने की प्रक्रिया का जो भी प्रोसीजर होगा वह हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जाते जाते नोएडा के आर्थिक अपराध शाखा प्रभारी शैलेंद्र यादव ने कहा कि अब तक इसके प्रमुख भाटी सहित फर्म के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में जाँच का नेतृत्व कर रहे यादव ने कहा कि कंपनी के करीब 17-18 अन्य लोग भी दादरी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के आरोपी हैं। इनकी गिरफ्तारी भी तलाशी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त धरपकड़ चल रही है बाइक बोर्ड निवेशकों के पैसे को लूटने वाले इस गिरोह के ऊपर। तो दोस्तों, अगर हमारी ये न्यूज़ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ हमारे